उपासना अनेक, उपासना अनेक, मार्ग अनेक, रुचि अनेक, साधन पद्धति अनेक, है ना, है ना। कोई ज्ञान मार्ग, कोई योग मार्ग, कोई कर्म मार्ग, कोई भक्ति मार्ग, कोई तंत्र मार्ग, सब मार्ग का ही उद्देश्य है कि हमारे ये संसार से जो हम जो स्वरूप भूल करके, हम जो भगवान की सत्ता, ये सत्ता है, हम शरीर नहीं है, भगवान की सत्ता, ये सत्य है। लेकिन ये हमारे चिंता के बाहर, ये तो शब्द में कहते हैं शाब्दिक ज्ञान, ये शाब्दिक ज्ञान, हम शरीर नहीं है, हम चिन्मय है, आनंदमय है, दिव्य है, सनातन है, नित्य मुक्त है, भगवान के अंश है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये तो सत्य है ना। लेकिन ये बोलने से क्या होता है, हम जो शरीर धर्मी, शरीर शरीर ही मैं हूं, ये स्वरूप विस्मृति ही संसार चक्र में भ्रमित होने का मूल कारण, सीधा बात है। इसके विष में आ गया है अहंकार रूपी एक आवरण, पर्दा, अहंकार। ये आवरण विस्मृति का मूल कारण क्या है, अनुसंधान करने से, अगर अनुसंधान किया जाए, जो हमारे जो नित्य संबंध भगवान से, हमारे नित्य संबंध, अखंड अविच्छेद संबंध, ये सत्य है। लेकिन उस संबंध से विच्युति होकर के हम प्रकृति में लिप्त होकर के, प्रकृति साथ तदात्मता के कारण, प्रकृति माने, प्रकृति किसको कहते हैं, भूमि अपहन लो वायु खंग मनोबुद्धि एवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा, इसको कहते हैं प्रकृति, जिसके एक आकृति है, जिसके फिगर है, जिसका नाम है, जिसका रूप है, इसको कहते हैं प्रकृति, सीधा बात है। प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृष्ट रूप में जिसका एक आकृति है, प्रकृति, वो प्रकृतिस्थ हो गए हैं, हम प्रकृति नहीं है। प्रकृति माने जड़ प्रकृति नहीं है, प्रकृति तो है लेकिन ये जड़ो रूपा प्रकृति नहीं है। प्रकृति दो विभाजन, एक है जड़ो रूपा प्रकृति, अपरा प्रकृति कहते हैं, और चेतन रूपा प्रकृति, उसको परा प्रकृति कहते हैं। वो प्रकृति है लेकिन वो चित वस्तु, अपरा मितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परम जीव भूतं महाबाहो जयदं धार्यत जगत। वो चेतन रूपा प्रकृति जो है परा प्रकृति, वो जड़ रूपा जो अपरा प्रकृति, दोनों में तदात्मता के कारण एक शरीर धर्मी बन गया। और ये शरीर धर्मी, ये तदात्मता, ये सत्य मान लिया, नित्य सत्य मान लिया, और इसमें सुख है, आनंद है जान करके, इसमें ही वो तदात्मता के कारण भगवत विस्मृति, स्वरूप विस्मृति और नित्य धाम विस्मृति होने का कारण है ये हमारे प्रकृति के साथ तदात्मता, अपरा प्रकृति के साथ तदात्मता के कारण उसका संसार बंधन। तो एक अपरा प्रकृति दृश्यमान नाम रूपात्मक, और परा प्रकृति चेतन रूपा, वो क्रिया के द्वारा पहचान होता है। तो ये दोनों प्रकृति मिलकर के सृष्टि रचना किए हैं, वृक्ष लता गुल्म आदि अमीबा से लेकर के समस्त जीव जगत जितना है, सभी चेतन जो है, शरीर धर्मी है, ये दोनों प्रकृति मिलकर के सृष्टि रचना कर रहे हैं। जयदंग धार्यत जगत, धारण करके रखे हैं, चेतन रूपा परा प्रकृति अपरा प्रकृति को धारण करके रखे हैं, नहीं तो अपरा प्रकृति वो सत प्रकाश होना संभव नहीं है। ये शरीर है, चेतन रूप, चेतन लग रहा है ना, अपरा प्रकृति, शरीर छोड़ने का बाद चेतन चला जाता है, माने परा प्रकृति चला जाता है, अपरा प्रकृति शरीर परा रहता है, इसको रख दीजिए
धीरे 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 एक साल पीछे आके उसको जलाइए नहीं, ऐसे पड़े रहने दीजिए। एक साल, दो साल, पाँच साल, दस साल पीछे आके उसका अस्तित्व मिलेगा नहीं। कहाँ गया वो अस्तित्व? इतना बड़ा शरीर, वो गया कहाँ? उसको धारण करके रखा था परा प्रकृति। जब परा प्रकृति गया, वो पांच तत्व जो है भूमि अपन अलो वायु खंग मनोबुद्धि रे बचे, ये जो अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी जो पांच तत्व है, पांच तत्व में लीन हो जाता है ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक ही। एक विशाल वृक्ष, उसको आप काट करके उसको रख दीजिए, खूब बड़ा वृक्ष है, ठीक है, 20 साल पीछे आ जाइए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ मिलेगा नहीं। उतना बड़ा वृक्ष गया कहाँ? उसको धारण करके कौन रखा था? चेतन रूप परा प्रकृति। तो जयदंग धार जत, इस सृष्टि रचना जो हो रही है, इसका मूल कारण है परा और अपरा प्रकृति के मिलन। अपर मितस्तन्यंग प्रकृति विद्धि में पर जीव भूतंग महाबाहो जयदंग धार। जीव भूत, अब जीव बन गया है, वो है भगवान की सत्ता, बन गया जीव, जीव भूत, जीव बन गया है। ये विस्मृति का मूल कारण क्या है? अनुसंधान करने से साधन, कोई भी मार्ग अपनाओ, कोई दोष नहीं है, ठीक है, जो जो मार्ग अपना करके, जिसको जो मार्ग पसंद है, जिसमें वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करना उसके लिए सहजलभ्य होता है, ऐसे मानसिकता लेकर के जो साधन करते हैं, जैसे जैसे महत्पुरुष के चरण सान्निध्य में जा करके जैसे उपासना ग्रहण करते हैं, झूठ नहीं है, हम सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं। सगुण ब्रह्म उपासना में भी बहुत सारे भेद है, कोई नारायण उपासना, कोई शिव उपासना, कोई कृष्ण उपासना, कोई राम उपासना, सगुण ब्रह्म, ये सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति। हमारी जो उपासना पद्धति दो भेद है, एक सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति, एक निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति में कोई भेद नहीं है, वहाँ नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, कुछ नहीं है, वहाँ बस एक ही तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है बस, वो निर्विशेष तत्व। जब तक कर्म निर्देश मभक्त प्रतिभाषति सर्वत्र गम चिंतन च कुटस्तम चलम ध्रुवम संगनिम इंद्र ग्रह सर्वत्र समुदय ते प्राप्त। वो भी हमको प्राप्त करते हैं ऐसे नहीं, लेकिन वो विलय हो जाता है, अपने चेतन सत्ता को निर्विशेष ब्रह्म में विलय करके वो शांत हो जाता है। सगुण ब्रह्म में ऐसा नहीं, भगवत उपासना करके, भगवत सान्निध्य प्राप्त करके, उनके सेवा सुख आस्वादन करते हैं, द्वैत भाव लेकर के, एकदम अद्वैत नहीं, अद्वैत है लेकिन उसमें द्वैत भाव लेकर के, एक चित्त स्वरूप प्राप्त करके, भगवत सान्निध्य प्राप्त करके, भगवान के साथ नित्य लीला विनोद आनंद वर्धन करते हैं। यह है सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति। इसमें भगवान राधा कृष्ण जुगल उपासना, जुगल उपासना में भी बहुत भेद है, कोई सखी उपासना, कोई सखर सख भाव लेकर उपासना, कोई दास्य भाव लेकर उपासना, कोई वात्सल्य भाव लेकर उपासना, सभी चिन्मय है। ये नहीं जो ये सत्य है, हमारा उपासना सत्य है, ये इसका उपासना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, उचित जगत में ऐसा होता है, अनंत है। कोई ऐश्वर्य उपासना, जहाँ नारायण है वहाँ भगवान के भूख प्यास कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, भगवान तो आत्मा नाम आप तो काम पूर्ण काम, उनका भूख प्यास तो ही रहता है, उनका सेवा का क्या प्रयोजन? ऐश्वर्य मार्ग में शांत भाव, वहाँ बस कोई सेवा नहीं है, भगवान को दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद में निमग्न है, मुनिंद्र जोगिंद्र आदि वहाँ शांत भाव एकदम। तो ऐसे ऐसे अलग अलग उपासना, कोई तंत्र मार्ग में उपासना करते हैं, वहाँ देवी धाम प्राप्त करते हैं, देवी माँ के सान्निध्य प्राप्त करके वहाँ उस लोक में आनंद वर्धन करते हैं, ऐसे अनंत उपासना है सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति में। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जितना उपासना है, ये जो हमारी जो बद्ध दशा, भगवत विस्मृति, भगवान को भूल करके हम प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान करके संसार चक्र में अनंत काल घूम रहे हैं,
इसका मूल कारण क्या है, अनुसंधान करने से क्या मिलता है, शास्त्र क्या कहती है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है एक अहंकार, अज्ञान जातो अहंकार। यह अहंकार रूपी आवरण जो है ना, ये आवरण आकर के उसको अलग कर दिया है, अहंकार रूपी आवरण। अहंकार ही है मूल कारण, और ये अहंकार को नष्ट करने साधना, अहंकार नष्ट हो गया तो साधना सिद्धि, सीधा बात। अहं माने मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये अहंकार, यह जड़ी अहंकार है ना। तो ये अहंकार जो है ना, ये जड़ी अहंकार जो है, ये सबसे खतरनाक है। और एक अहंकार है चीद अहंकार, अभिमान के अहंकार के दो वृत्ति, एक जड़ वृत्ति, एक चित वृत्ति। जब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, संत कृपा से उसका चेतन हो जाता है, जो भगवान से ही हमारे नित्य संबंध, एवं मैं शरीर नहीं, मैं इससे अलग हूं। शरीर तो हमारे मातृ जठर में प्राप्त हुआ, और एक दिन छूट जाएगा शशान में परिसमाप्ति। तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये सत्य है। तो मैं कौन हूं? मैं भगवान का हूं। मैं कैसे हूं? मैं चिन्मय हूं, भगवान का जैसे ही हूं, दिव्य हूं, आनंदमय हूं, मायातीत हूं, गुणातीत हूं, इंद्रियातीत हूं, अलौकिक हूं, नित्य सत्य सनातन हूं, दिव्य हूं, ये मैं हूं, ये सत्य है। तो एक मैं है, एक तो अज्ञान जात अहंकार, अविद्या, शरीर मैं हूं, ये बंधन का कारण। ये बुद्धि जब तक है, ये अहंकार जब जरोन्मुखी होकर के संसार चक्र में घूमता रहेगा, तब तक जाके उसका मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। और अनंत काल ये कर्म चक्र प्रवाह में घूमता रहेगा, नाना 84 लाख जन्म में भ्रमण करते करते फिर अनंत काल बीत जाएगा, उसको अपना स्वरूप प्राप्ति का कोई संभावना नहीं है। तो क्या किया जाए? नहीं, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम इंद्रियातीत गुणातीत, तुम दिव्य हो, आनंदमय हो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे है। शरीर तो छूट जाएगा, शासन में छूट जाएगा, फिर चलता रहेगा वो आनंदमय सत्ता, फिर नया शरीर धारण करने के लिए कर्म चक्र प्रवाह में कर्म संस्कार अनुरूप उसको फिर नया शरीर मिलेगा, फिर उसी में जा करके ऐसा ही शरीर धारण करेगा, और उस शरीर में तादात्म्य होकर अहंकार आकर के उसको घेर लेता है। उसमें जैसे जैसे शरीर मिलता है, ऐसे ही अहंकार आके घेर लेता है उसको, वो ऐसे ही मानना शुरू कर देता है। तो मैं जब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, संत कृपा से उसका ये चेतन होता है, मैं शरीर नहीं, मैं भगवान का हूं, उस समय भी अहंकार रहता है, लेकिन उस समय उसके वृत्ति जो अहंकार के जो वृत्ति है वो बदल जाता है। ना ना ना, ये शरीर मैं नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, ये इसको कहते चीद अहंकार। और शरीर मैं हूं, यह जड़ अहंकार। अहंकार का दो वृत्ति हो गया, एक जड़ अहंकार जड़ीय वृत्ति, एक है चित वृत्ति। जड़ीय अहंकार है अज्ञानता, और चिद अहंकार है ज्ञान बोध। चिद अहंकार क्या है? नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, अमल माने माया मल रहित, माया मल माने त्रिगुणातीत, सत्य रजतम तीन गुण के अतीत, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य हिंसा देश लोभ लालसा आदि जितना मल है, ये आत्मा से संबंधित है नहीं, ये शरीर संबंधित, ये देह संबंधित। मैं समस्त माया मल रहित, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम
असत्य क्रोध आकांक्षा शंक विश्व विभ्रम उल्लंघन वैषम्य लोलता मद मत्सर्य हिंसक छेद परापेक्षा इतना सब मायामल मल मलिनता। ये जीव मात्र प्राणी मात्र में उसके भीतर विद्यमान रहता है जब तक वो अविद्या जात अहंकार उन्मुखी होकर संसार चक्र में भ्रमित होता है तब तक ये मायामल से मुक्त होना संभव नहीं। तो ईश्वरंश जीव विनाशी चेतन अमल स्वरूपतो स्वरूपतो आत्मा में वो माया मलिनता तीन गुण है नहीं। ये माया जातो जे अवगुण ये है नहीं, ये आगंतुक है, आत्मा से संबंधित है नहीं। और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि माने सत आनंदमय, आत्मा स्वयं सत ही आनंदमय है, मैं आनंदमय हूं, ये सत्य है। लेकिन प्रकृति के साथ तल्लीनता का कारण, तन्मयता का कारण वो आनंद विस्तृत हो गया, अपना स्वरूप विस्मृति के साथ साथ अपना वो आनंद भी विस्तृत हो गया। लेकिन आनंद तो छोड़ता नहीं है, उसको मैग्नेट की तरह आकर्षण करता है, स्वरूप ही तो आनंदमय है ना, सत आनंदमय। बाहरी कोई वस्तु पदार्थ तो आत्मा को आनंद देने में समर्थ नहीं है, आत्मा सत आनंदमय। आनंद है चित वस्तु और शरीर है जड़ वस्तु, दृश्य मान जागतिक वस्तु पदार्थ जड़ वस्तु, जड़ वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी, मैं सत आनंदमय हूं, लेकिन स्वरूप विस्मृति के साथ साथ आनंद भी भूल गया। हमको आनंद कौन पुकार रहा है? आनंद प्राप्ति के लिए किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, एक चीटी से लेकर के प्राणी मात्र आनंद का अनुसंधान, किसमें आनंद मिलेगा, अनुसंधान कर रहा है, हमको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन वो आनंद जानता नहीं है कहाँ से ये पुकार आ रहा है, हमको कौन पुकार रहा है, एक हर समय हमको अतृप्ति, हमको पुकार रहा है, शांति चाहिए, शांति आनंद चाहिए। लेकिन वो भ्रमित होकर के माया में आनंद का अनुसंधान करते करते भ्रमित हो जाता है और दुख सागर में डूब जाता है और दुखी हो जाता है। मिलता नहीं हो, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। जड़ी वस्तु चेतन को आनंद दे नहीं सकता है, जड़ वस्तु में आनंद है नहीं, जड़ है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरी सत आनंदमय है। जब ये प्रकृति के गुण से जब अनावृत हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है साधन के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, भगवत अनुसंधान के द्वारा, भगवत शरणागति के द्वारा, गुरु शरणागति के द्वारा, जब उसको स्वरूप का बोध हो जाता है, ये प्रकृति से संबंध जो छिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, तो देखता है जा रहे मैं तो स्वयं आनंदमय हूँ, सत आनंदमय और पूर्ण आनंदमय अखंड नित्य सत्य सनातन भगवान है, उनके चरण में वही दिव्य आनंद के स्रोत, तो वो स्रोत में जाकर के डूब जाता है, आनंद सिंधु में डूब जाता है। ये प्रकृति दृश्यमान प्रकृति जो है इसमें उसका छाया देखने में आता है, आनंद है नहीं, एक छाया है, परछाइयां है, देखने में आनंद, लेकिन आनंद है नहीं। जैसे हम हमारे पीछे एक परछाइयां दिखता है, दिखता है, चलता है, हमारे अस्तित्व के कारण वो परछाइयां दिखता है, ऐसा ही आनंद दिखता है लेकिन है नहीं, वो परछाइयां है, वो आनंद है नहीं। आनंद चित वस्तु में है, जड़ वस्तु में आनंद होता नहीं, हो नहीं सकता है। अनित्यम असुखम, इसीलिए गीता में कहते अनित्यम असुखम, यहाँ आनंद है नहीं, किसी को मिला नहीं, लाख कोशिश करो किसी को मिला नहीं, मिलता नहीं। तो आप प्रश्न आया, जो ये जो बंधन है हमारे, जो ये प्रकृतिस्थ होने के कारण हमारे जो बहिर्मुखता दशा, हमारे स्वरूप विस्मृति, इसका मूल कारण है ये अहंकार, जड़ी अहंकार। तो इसका जो जड़ वृत्ति है इससे हटाकर इसको चित वृत्ति में ले जाना है, तब साधना सरल हो जाएगा। मैं यही शब्द कहता हूँ, साधना का जड़ कहाँ कहाँ हम अटक गए हैं, फंस गए हैं, भजन करके भी हमको उल्लास नहीं होता है,
हम जड़ वृत्ति में रहते हैं, अहंकार है ना, अहं मैं मेरा है, लेकिन यहां तू तेरा, मैं तुम्हारे हूं, तुम मेरे हो। शरीर से, शरीर संबंधी वस्तु से हमारा संबंध है नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। वह चिद अहंकार, इस चिद अहंकार में इसको डाइवर्ट करना है, वृत्ति को डाइवर्ट करना है। हर समय उठते बैठते खाते सोते देखो जी ये संसार है, ये माया है, माया है, माया है। एकमात्र हमारे प्रभु हम है या हमारे प्रभु हैं, अंतर जगत में हमारे हृदय में हमारे इष्ट हैं, हमारे जुगल किशोर है और हम है। वहाँ जगत का कोई आबोहवा, वहाँ कोई यहाँ घुसने प्रवेश करने नहीं देते हैं, वहाँ शांत समय ही तो, जो रहा होने दो, ये संसार है, ये होगा, ऐसे होगा, होता है, होता रहेगा, इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना, तो जाके भजन हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। लेकिन मूल जगह हम लोग भूल कर बैठते हैं, ये जड़ वृत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं मेरा बस। ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, ये जो जोड़ी अहंकार ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। ये अहंकार के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि जो है, ये जोड़ी अहंकार से संयुक्त है, जिस कारण ये वृत्ति जो ये रिपु जो है, ये हमको परेशान करता है, विवश कर देता है। विवश हो करके हम प्रकृति को शिकार करते हैं, प्रकृति के गुण से आवृत हो करके तदात्मता के कारण हम नाना प्रकार क्रियाकर्म कर बैठते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हिंसा छेद लोभ लालसा ईर्षा, कितना प्रकार अभगुनी क्या कहें। इसका कारण क्या है? अज्ञान जत अहंकार। इसको वृत्ति को हटाना है, और इस वृत्ति को हटाकर चित वृत्ति में ले जाना ही साधना है। भजन कम हो, भजन क्रिया, भजन कम होने माने भजन क्रिया, एक क्रियात्मक एक भावनात्मक। भजन दो प्रकार है, एक क्रियात्मक एक भावनात्मक। क्रियात्मक है हम पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा तीर्थ पर्यटन आदि सत्संग सब करते हैं, एक क्रिया है। और भावनात्मक है नहीं, ये हृदय में एकमात्र तुम हो और हम हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ऐसे भावना लेकर के हर समय प्रभु का चिंतन करना। बस प्रभु कम ले जाओगे कब तुम्हारे चरण कमल में, हमारे लिए तुम स्थान बना दोगे, तुम कृपा पूर्वक हमको ले चलोगे तुम्हारे पास, ऐसे भावना लेकर प्रभु के चिंतन में तल्लीनता तन्मयता। बस जो होना है होने दो, ये संसार है, होगा वही जो राम रच राखा। तुम कौन हो बदलने वाले? तुम कुछ नहीं हो, ऐसा चिंता मत करो जो संसार के लिए तुम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये करोगे वो करोगे, कितना प्रकार संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प छोड़ो, यहाँ तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो पिता के चार पुत्र है, एक विद्वान होता है, एक मूर्ख होता है, एक सज्जन होता है, एक दुर्जन होता है, एक धनवान होता है, एक दरिद्र होता है, ऐसा क्यों? क्या पिता एक ही घर में पालित हुआ है, ऐसा क्यों? क्या पिता नहीं चाहता है हमारे सब पुत्र अच्छा धनवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, ऐसा क्यों? अपना जो लिख के लाया है वही होगा। चार कन्या शादी देते हैं, पैसा दे करके, कितना पैसा खर्च करके, पंडित बुला करके, कितना तिथि नक्षत्र देख करके, शुभ लग्न देख करके, कोई काम नहीं करता है। जब भाग में जो है, एक जन तो सुखी होकर के ससुराल में रहता है, एक जन दुखी होकर वहाँ से ताड़ित होकर के पितरालय में आ जाते हैं, पिताजी हमारे लिए कोई स्थान नहीं हुआ, बहुत दुखी हैं हम, हमको और ससुराल में भेजना नहीं। क्यों ऐसा क्यों? क्या पिताजी तिथि नक्षत्र देख करके, पंडित बुला करके, पैसा खर्च करके शादी कराया? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं, जान लो। ठीक है कर्म तो करना है, ये कर्म जब शरीर है कर्म भी करना है, लेकिन कर्ता बन के नहीं, दास बन के। प्रभु का दास बन के कर्म करोगे तो कर्म बंधन का कारण नहीं होगा, कर्ता बन के कर्म फलक कांक्षा लेकर के तुम कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा, तुम संसार चक्र में फंस जाओगे, ये सत्य है। और जो ठीक है कर्म वही कर्म कर रहे हैं, लेकिन दास बन के तुम जैसे करा रहे हो तुम्हारे कर्म हम कर रहे हैं, भजन करते हो वो भी तुम करा रहे हो,
सब जो करते हो तुम करते हो प्रभु, ऐसे जान करके सुख दुख समय कृत्या लवालाभ जया जयु तथा युद्ध है युद्ध नई पाप माँ बाप शशि, सुख दुख को समय ज्ञान कर लो। ये प्रकृति के नियम है, प्राणी मात्र ही सुख दुख, कभी सुख कभी दुख, लाभ लाभ जया जय, लाभ अलाभ लाभ हानि, लाभ हुआ कभी हानि हो गया, जय पराजय, कहीं विजय प्राप्त हुआ कहीं हार गया, तथा युद्ध है युद्ध, इस तरह से संसार में रहकर संग्राम करो। नोई पाप माँ बाप शशि, तुम कोई पाप में लिप्त तो नहीं होगे, तुम मुक्त रहोगे। जस पद्म पत्री में बाम बसा, जिस तरह से कमल दल में पानी जैसे संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे तुम संसार में निर्लिप्त होकर रहोगे तब जाके भजन होगा। लिप्त हो जाओगे, कर्ता बन जाओगे, फट जाओगे। तो ये अहंकार के वृत्ति को घुमाना है, और जब तक जरिए वृत्ति में अहंकार रहेगा तो इससे मुक्त हो करके ठीक ठीक भजन तो ठीक ठीक होना मुश्किल है, क्योंकि घूम फिर करके भजन करते हैं, आकर के वहीं पर समाहित तो हो जाता है हमारा मनोवृत्ति वही संसार चक्र में, वही है ना। अहंकार बड़ा खतरनाक है, जाता नहीं है, हम तो कह रहे हैं लेकिन इतना सहज नहीं है। ये गया तो काम बन गया, अहंकार का खेल है। जैसे नहंकृत भाव बुद्धि जैसे नलिपते होता पीसाई मन लो का न हंती न निबद्धती, जैसे न अहंकृत भाव, मैं करता हूं ऐसे भाव जिसका है नहीं, मैं करता नहीं हूं प्रभु कराते हैं। जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे नलिपति, बुद्धि उस कर्म में लिप्त तो नहीं होता, ये प्रभु का कर्म है, प्रभु करा रहे हैं। होता पीसाई मन लो का, समस्त लोक हत्या करने से भी कोई पाप में लिप्त तो नहीं होता, क्योंकि उसको अहंकार निर्लिप्त तो रहने के कारण वो कर्म फलभोगी नहीं होता है। फिर कहते हैं इसके पुनरावृत्ति, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संघं त्यक्त्वा करोति ज लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं वशा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, समस्त कर्म भगवान में समर्पित हो, समर्पित करके फिर जाके वो उनके दास बन के वो निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के कर्म करते हैं, तो वो कभी कर्म चक्र में फंसता नहीं है। पद्म पत्र में बंबसा, कमल दल में जैसे पानी संस्पृष्ट नहीं होता है, संसार में रह करके भी वो कोई कर्म फल भोगी नहीं होता है, वो मुक्त रहता है। अच्छा, ये अज्ञान जो तो अहंकार जो है, इसके संबंध और थोड़ा आलोचना करेंगे कल, नहीं तो है ये बड़ा खतरनाक है, ये आगे चलने नहीं देता है। हम कहाँ फंसे हुए हैं, इसका कारण क्या है, ये अज्ञान जात अहंकार। जितना अपराध होता है, जितना भ्रांति होती है, ये अज्ञान जात अहंकार के कारण। जय जय श्री राधे।